हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आज के दिन आपके पार्टनर की डीप फीलिंग आपके लिए क्या है? अगर कोई नो पर्सन में है, नो कांटेक्ट में है या फिर लेस कांटेक्ट में है, आपकी बातें नहीं हो रही है, किसी कारण आप दोनों में कोई सेपरेशन आ चुका है, तो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ कि ऐसे हालात में आप दोनों में क्या उनकी क्या डीप फीलिंग है आपके लिए, और क्या वो सोच रहे इस समय, और क्या वो एक्शन लेंगे आगे चल के इस रिलेशनशिप के लिए। ये रीडिंग मोस्टली उन्हीं के लिए होने वाली है कि जो कोई लेस कांटेक्ट में है या फिर जिनकी कोई बात नहीं हो रही है अपने पर्सन के साथ, या फिर किसी कारण दूरियां आ चुकी है दोनों में। तो आज के दिन क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? क्या वो आपके लिए कुछ जानते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं, या फिर सोच रहे हैं, या फिर आगे चलकर आपके लिए कोई एक्शन वो लेंगे? ये मेरा टॉपिक है। ये इस डेक से मैं उनकी फीलिंग लूँगी, इस डेक से मैं आपके लिए फीलिंग लूँगी। आप क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या करंट फीलिंग है आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा, मैं ये भी लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की, जो अगर उनसे लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, उनकी डीप फीलिंग क्या है उनके लिए। हो सकता है आप किसी मनी के कारण जुड़े हो एक दूसरे से, हो सकता है किसी किसी के लिए एक ही जगह आप काम करते थे या आप भी काम करते हैं, बट आप दोनों में कोई बातचीत नहीं है। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन थोड़े वर्कोलिक हो गए थे, थोड़ा पैसे के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान है और उसी कारण थोड़े अपने काम में उलझे हैं, बिजनेस में उलझे हैं। अगर नई जॉब के लिए सोच रहे हैं तो उस कारण ही दूर आपसे गए हैं, इस कारण आपसे मिलना नहीं हो रहा, आपसे बातें नहीं हो रही है। या फिर ये किसी किसी के लिए हो सकता है, अगर ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है तो हो सकता है आपके पर्सन उनके कामकाज में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, मनी पे उन्होंने ज़्यादा फोकस कर लिया। हालांकि अभी उनके मन में यह है कि अभी आपके लिए थोड़ा टाइम दिया जाए, आपके साथ जो रिलेशन है उस पर थोड़ा इक्वल गिव एंड टेक वाली सिचुएशन की जाए। बार बार यही पेंटागल के कार्ड आ रहे हैं। हो सकता है ये किसी किसी के लिए उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं, अगर या फिर कुछ ऐसा काम है जिसमें आप दोनों की चीज़ें इन्वॉल्व है। टावर का कार्ड आ चुका है गाइस। हो सकता है कोई टावर मोमेंट उनके लाइफ में है, वही सिचुएशन है जिस कारण आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। किसी किसी के लिए हो सकता है उनके पास ऑप्शन बहुत है, और देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ चुका है। रिलेशनशिप के लिए तो वैसे भी बोला जाता है कि कट ऑफ कर दिया है, कोई टावर मोमेंट उनके लाइफ में आ चुका है। ये सडनली लॉस उनका हो सकता है मनी के बिलोंगिंग ही हो, ज़्यादातर मुझे यही लगता है। अगर कोई कामकाज आपको लेके उन्होंने स्टार्ट किया था और उसमें कोई घाटा आ चुका है, कोई नुकसान आ चुका है, इस कारण आप दोनों में दूरियां आ चुकी हैं, या फिर कोई ऐसी बात है कि उन्होंने अपने कामकाज पे ज़्यादा फोकस कर लिया बट वहाँ पे सडनली उनका कोई डाउनफॉल हो चुका है और इस कारण वो वहाँ वहीं पर ज़्यादा उलझे हो और इस कारण वो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल उनकी एनर्जी हेवी आ रही है, और ऑप्शन के लिए मैं ये बोल सकती हूँ, अगर ये किसी के लिए उन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला है, मतलब वो पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है और आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको थोड़ा उसने डिस्टेंस करके रखा है, आपको उन्होंने कट आउट करके रखा है, क्योंकि मोमेंट यही है कि कोई तो ऐसा सडनली लॉस उनके लाइफ में हुआ है ऑलरेडी, या फिर वो अभी गुजर रहे हैं इस हालात से, या फिर हो सकता है उनके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, मतलब फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम के ऑप्शन से कोई करियर के लिए देख रहा है तो वहाँ पे कोई ऑप्शन से, इस कारण वो वहीं पे ज़्यादा उलझे है और इसी कारण उन्होंने आपसे दूरियाँ बना ली है, आपसे उन्होंने कटआउट कर लिया है, जबकि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उनके मन में आज के दिन के लिए मैं फीलिंग देखूंगी कि वो इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं,
कोई मोमेंट वो इस रिलेशनशिप के लिए करना चाहते हैं, आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं। ये एक सिनारो हो गया। एक सिनारो मुझे ये भी लग रहा है, अगर आप किसी टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप में हो और आप ये सिचुएशन देख रहे हो, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा अब्यूसमेंट मिली है, धोखा मिला है, चीटिंग मिली है इस रिलेशनशिप में, और लगातार आपके साथ चीटिंग हो रही है, तो ऐसे केसेस में मुझे लग रहा है कि यस, आपके पर्सन पे कोई ना कुछ तो टावर मोमेंट डेफिनेटली गया है। और यहाँ पे हो सकता है किसी किसी के ने अगर डिवोर्स के लिए फाइल किया है, तो उनको डिवोर्स मिल जाएगा और उनको जस्टिस मिल जाएगा। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। और ये अगर ऐसा रिलेशन है कि जो ऑलरेडी मैरिड है कहीं और चाहते हैं कि ये आपका कोई और रिलेशनशिप है, और वहाँ पे चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए, तो हो सकता है या तो ये रिलेशनशिप आपके साथ वो कम्प्लीटली एंड ही कर दे, क्योंकि वो फोकस आउट होना चाहते हैं उनके, और वो वहाँ पे काम करना चाहते हैं जहाँ पे उनके साथ और कोई ऑप्शंस हैं, कहीं कई ज़्यादा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वहीं पे वो ज़्यादा फोकस होना चाहते हैं। आपके साथ वो या तो फुल कटआउट करके दूर होने के लिए वो शायद उनके दिल दिमाग में चल रहा है, बट ओवरऑल उनकी जो एनर्जी वो कंफ्यूज माइंड की है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्या करें क्या ना करें, क्योंकि दिल तो उनका भी टूटा है, दिल टूटने वाली एनर्जी उनकी भी आ चुकी है। तो गाइज, उनकी जो थिंकिंग में भी मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रही है, कि फ़िलहाल वो इतना ज़्यादा हैवीनेस से जा रहे हैं। मैंने सारी सिचुएशन बता दी है, अगर सिंगल है और आप तो फिर भी एनर्जी इतनी पॉजिटिव नहीं आई है आपके पार्टनर के, आपको लेके थोड़ी कटआउट और टावर वाली एनर्जी थी, पर थोड़ी होप्स बनी हुई थी। इक्वल गिव एंड टेक देना डेफिनेटली चाहते हैं। और एक कार्ड आया है आगे, मतलब मोमेंट का, बट एक ही कार्ड आया था, पेज ऑफ फैंस का, जो बिल्कुल ही इमेच्योर, मतलब बिल्कुल ही छोटी चीज़ कि जो ना के बराबर है, ऐसी ऐसी कुछ तो वो मोमेंट लेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि कोई बात बनेगी। अब मैं देखूंगी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आपको लेके ये तो हो गई, उनके मन में क्या बात चल रही है। अब मैं ये देखूंगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन में भी झगड़े की कार्ड आ रहे हैं गाइस। आर्गुमेंट्स, झगड़े, किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ना आपसे कई बार फाइनेंशियल हेल्प ली है, आपने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था उनको। देखिए उल्टा था। हाँ यस, वो टॉक्सिक जो कनेक्शन है उनके लाइफ में, ये दिल तो तोड़ेंगे आपका, कंफ्यूज माइंड में भी रहेंगे, दिल तो तोड़ेंगे आपका आगे भी, नहीं दिख रहे गाइस आगे भी कोई अच्छा एक्शन लेंगे ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है ना एंड ही कर दे रिलेशनशिप के लिए, लेकिन यस, इमोशनल विड्रॉ का कार्ड आ चुका है, फाइव ऑफ कप्स। हो सकता है उनके लाइफ में कोई ऐसी महिला है जो उनको लगातार डोमिनेट कर रही है, जिसकी वो सुन रहे हैं, ये आपसे झगड़े उनके आगे भी चलते रहेंगे, दिल तोड़ेंगे आपका भी, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है, उनको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको नहीं पता,
और ये मिस भी करेंगे आगे चलकर। ये महिला हो सकती है या तो उनकी वाइफ है, या तो हो सकता है उनकी मदर है, या तो कोई बड़ी सिस्टर है, या फिर कोई फ्रेंड से रिलेटेड भी हो सकता है जो उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं, मैनिपुलेट कर रही हैं उनको आपके खिलाफ। तो हो सकता ही है उनके नेक्स्ट एक्शन में भी मुझे कोई ऐसा कार्ड नहीं दिख रहा है, वो जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूज माइंड में उनको नहीं पता चल रहा है। ये जो भी लोग उनके, मैंने बोला था कि बहुत सारे ऑप्शन उनके लाइफ में, तो हो सकता है उनकी रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, या फिर उनकी फैमिली हो, जो उनको आगे भी ट्रिगर करते रहेंगे। आपसे झगड़े आगे भी चलता रहेगा और आपका दिल आगे भी उनसे इनको लेके टूट टूटता ही रहेगा, क्योंकि वो अभी भी कोई स्टेबल मेंटेलिटी में नहीं है, खुद कंफ्यूज है। हो सकता है किसी किसी के लिए वो एंड ही कर दे इस रिलेशनशिप के लिए, वो सोच रहे हैं कि ऐसे इमोशनल विड्रॉ होके चले जाए। तो मुझे तो रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो रही है। तो आगे भी उनका कोई एक्शन, आगे आपको लेके कुछ अच्छा दिखता नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ अच्छा एक्शन लेंगे वो। तो अगर कोई आप होप ले बैठे हो, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि गाइज एनर्जी लगातार उनकी हेवी आ रही, तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। मैं अभी देखूंगी कि आपकी क्या करंट एनर्जी चल रही है। देखिए, अगर आप ऐसे पर्सन से रिलेट कर रहे हैं ना जो ऑलरेडी मैरिड है, उसने आपको बोला है कि वो आपको कमिटमेंट देगा या फिर ऐसा कुछ होगा, तो मुझे ऐसा ही सिनेरियो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि आपको नहीं रहना चाहिए ऐसे में, जहाँ आपको पॉसिबल है कि नहीं, इतना इतना इजी नहीं है। उसने कुछ भी बोला है, बट ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। तो ये खुद आपको ही सोचने वाली बात है कि क्या आपको रुकना चाहिए। उसके बजाय अगर आपके लाइफ में कोई अच्छा ऑप्शन आता है, तो गाइज मैं तो आपको बिना एंजल के गाइडेंस के मैं बोलूँगी कि आपको जाना चाहिए, सोचना चाहिए। फिलहाल आज के दिन आपकी क्या एनर्जी है, मैं देखूँगी अभी। आप भी सोर्स के एनर्जी में आ चुके हो, हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो चुके हो, हालात बना ही देता है। अगर किसी ने सच में इस रिलेशनशिप में फाइनेंस वगैरह सब कुछ लगा दिया है, तो भाई उसके लिए वैसे भी सिचुएशन बहुत दिक्कत वाली और टफ वाली होने वाली है। बट आप आ चुके हो इस मेंटेलिटी में, आप स्टेबल हो चुके हो। शायद हो सकता है आपने भी अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस डाल दिया है अभी, आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हो, और वहाँ से आपको अच्छी खासी अबंडेंस में आती हुई भी दिख रही है मुझे। सकता है आप अपने लाइफ में, अगर आप मैरिड हो, आप किसी चाइल्ड्स के पेरेंट हो, तो आप अपने बच्चों में अच्छे खासे उलझे हैं, मतलब बच्चों में खुश हो रहे हैं, अपने फ्रेंड्स में आप एंजॉय कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स में आप एंजॉय कर रहे हैं। आपकी पहली एनर्जी आई कि आप बहुत लॉजिकल बन चुके हो, आपने अभी सिचुएशन अच्छे से बैलेंस कर ली है, और आपकी एनर्जी में मुझे कोई हैवीनेस नहीं दिख रहा है, आप हो स्टेबल। यस, आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन पर्सन भी हो सकता है। यस, एंड कर दी आपकी लाइफ में थी ये जो स्टक वाली सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, उसका आपने एंड कर दिया है, जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, आप में बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज डाल रहे थे, हो सकता है आपने उसका एंड कर दिया है। जो हालात आपको, जिसके कारण आपके हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट हुआ है, आपकी नींद गई है, आपकी तबीयत पूरी तरह डामाडोल हो चुकी थी इस पर्सन के कारण, इस रिलेशनशिप के कारण, तो हो सकता है इस साइकिल का आपने एंड कर दिया है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ खुश दिख रहे, अपने पेरेंट्स के साथ खुश दिख रहे, अपने बच्चों के साथ आप खुश हो, और बहुत ज़्यादा ऑप्शन पे आपने फ्लाईओवर करना भी शुरू कर दिया है। अगर किसी ने आपको कमिटमेंट के लिए भी, प्रपोजल के लिए पूछा था, तो
तो आप हो सकता है वह उस डिरेक्शन से आप सोच रहे हो, बट किसी के लिए हो सकता है कि आप अभी भी स्टक हो, इस कारण आप अभी भी पेन में हो। आपको लगता है ये पर्सन अभी भी लाइफ में आएगा, अगर सिचुएशन में इतना टॉक्सिसिटी है इस पर्सन के साथ तो क्या सोचना चाहिए? नहीं, बट ये लगता है कि आपने एंड कर दिया है, ओवरऑल एनर्जी आपकी टू ऑफ कप्स की आई है। यस, आपके लाइफ में भी किसी की एंट्री हो चुकी है, जहाँ से आप सोच रहे हो उसके साथ फैमिली बना सकते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स की एनर्जी। आप हो लव की एनर्जी में और सन का कार्ड आपकी एनर्जी में आ चुका है कि यस, इस एनर्जी से आप निकल चुके हो। फाइव ऑफ कप्स की जो एनर्जी थी, जो आप पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, तो हो सकता है जैसे आपने सिचुएशन को कट कर दिया है, एक माइंड सेट बना के आपने आगे की ओर देखना शुरू कर दिया है। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, ये डेफिनेटली आपने उस साइकिल का एंड कर दिया है, मनी पे फोकस कर दिया है, अच्छे अवेयरनेस, अच्छे फैमिली, अगर आपने फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट होना शुरू कर दिया है तो आप एक अच्छी फैमिली जी रहे हो, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ आप अपनी एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने लाइफ में ध्यान देना भी शुरू कर दिया है। जो भी टॉक्सिसिटी सी थी इस पर्सन के साथ, जिसके साथ आपका लव कनेक्शन था, वो आपने एंड कर दिया। जो आपको बांधे रखा था, आप पे दायरे डाल के रखा था, आपको आगे जाके नहीं जाने नहीं दे रहा था, उस चीज़ का आपने कर दिया है एंड, और आप आगे बढ़ चुके हो। जो कुछ भी आपने फ्रेंड्स के साथ रहना या फिर फैमिली के साथ रहना, पेरेंट्स के साथ रहना आपने शुरू कर दिया है, जैसे आपने वहाँ पे अपने काम पे फोकस करना आपने शुरू कर दिया है, आपकी लाइफ एक हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस लाइफ आपकी बन चुकी हो। आप बहुत ज़्यादा खुश अपने लाइफ में। हो सकता है किसी किसी के लिए एक न्यू एंट्री भी आ चुकी है, न्यू लव रिलेशनशिप उनके लाइफ में आ चुका है। मोस्टली प्रोबेबल ये जो पर्सन आए हैं उनके लाइफ में, ये उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर ये उनके सोलमेट भी हो सकते हैं। तो आप एक अच्छी सिचुएशन में, आपकी एनर्जी तो बड़ी अच्छी आई है आज के दिन, क्योंकि हो सकता है आपने पास में बहुत ज़्यादा पेन लिया है इस रिलेशनशिप को लेके। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक थी फाइव ऑफ फ्रेंड्स कफ की एनर्जी, जो मिस करेंगे, और आपकी एनर्जी में फाइव ऑफ कफ रिवर्स था, मतलब आप उस एनर्जी से निकल चुके हो। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देंगे? मैं तो बोलूँगी आप भाई बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपको पता है इस पर्सन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय बहानों के, तो ये तो आपको खुद को ही सोचने की बात है कि आप खुद देखो कि कितने सालों से बहाने चल रहे हैं, इतने सालों से रीजन चल रहे हैं, आपको यहाँ से कुछ कमिटमेंट नहीं मिलने वाला, कुछ फ्यूचर ही नहीं है। अगर ये मैरिड पर्सन है तो मैं बोल रही हूँ, बट अगर आपको पता है सिचुएशन हालात, तो यस एंजल बोल रहे हैं आप रह सकते हो, सक्सेस है। मतलब आपको पता है कि आप ऐसे रिलेशन में हो जहाँ पे आपके पर्सन कहीं और ही मैरिड है, और ये आपका कोई और रिलेशनशिप है, और आपका कोई वहाँ से आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है, इस सिचुएशन के लिए आपको पता है ऑलरेडी, और आप एडजस्टेड हो ऐसी सिचुएशन में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कमिटमेंट ना मिले, बट इस तरह से बस रिलेशनशिप चलता रहे, ऐसी अगर आपकी मेंटेलिटी ऑलरेडी है, तो एंजल बोल रहे हैं यस सक्सेस है, आपको जा सकते हैं। और अगर ये कोई सिंगल कपल देख रहा है और जिसको पता है कि उसके पर्सन के साथ उसको कुछ मिलने वाला है नहीं, और जिसने पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के सोचा है, एक लॉजिकल माइंडसेट लेके कि मुझे निकल जाना है और मुझे कोई और प्रपोजल आ चुका है, तो एंजल बोल रहे हैं यस आप जा सकते हैं। और अगर कोई आप ऐसे टॉक्सिक पर्सन से रिलेट कर रहे हो, जो आपको पता है कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला है उससे, बस बट वो आपसे बोल रहा है कि बस आप इस रिलेशनशिप में रहो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, आपको बस झांसे दे रहा है, और आपको ये चीज़ पता है, और आपने इस सिचुएशन को कट करके दिया है, क्योंकि आपको पता है ये देने वाला कुछ है नहीं, बस बट बोलने वाला पर्सन है, करने वाला है नहीं, और आपने निकलने के लिए ठानी, क्योंकि आपने साइकिल, आपकी एनर्जी थी कि आप कोई साइकिल एंड कर रहे हो, तो एंजल बोल रहे हैं यस, एंजल बोल रहे हैं एक्शन लो, बट मुझे लगता है किसी किसी ने यस ऑलरेडी एक्शन आपने ले चुका है। एंजल बोल रहे हैं आपको कोई नो नीड टू वरी, किसी भी चीज़ के लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सक्सेस डेफिनेटली है। आपने किसी और रिलेशनशिप को देखा है, किसी और पर्सन के लिए सोचा है, तो यस आप जा सकते हो, आप एक्शन ले सकते हो। तो एंजल आपके लिए ये गाइडेंस दे रहे हैं गाइस,
तो होप आपने ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से ली है, और थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। इसी तरह से बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आगे भी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ रीडिंग लेके आऊँगी, अलग अलग टॉपिक पर मैं लेके आऊँगी। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, एन्जॉय योर डे। थैंक यू, लव यू ऑल।